दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य फसल सहायता योजना के बारे में। यदि आप बिहार राज्य फसल सहायता योजना के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको शॉर्ट में जानकारी देंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिहार राज्य फसल सहायता योजना एक डिपार्टमेंट है जो राज्य सरकार की तरफ से किसानों को मुआवजा दिया जाता है। और ये किसानों को किस तरीके से मुआवजा दिया जाता है, आप अपने खेत में जो भी फसल उगाते हो यदि उस फसल में किसी भी तरह का कुछ नुकसान होता है तो उसका कुछ हिस्सा जो है आपको सरकार की तरफ से भरपाई के रूप में दिया जाता है। ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, समय समय पर सभी फसल के हिसाब से ऑनलाइन का डेट रहता है। यदि आप अपना आवेदन करते हैं और यदि आपके इलाके में यदि आपका फसल क्षति होता है, किसान कोऑर्डिनेटर सलाहकार के द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद अकाउंट में उसका पैसा जो है भेज दिया जाता है। तो अगर बिहार राज्य फसल सहायता योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको आगे तक देखना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सभी स्टेट का अपना अलग अलग पोर्टल होता है, सभी स्टेट का अपना अलग अलग स्कीम होता है, सिर्फ बिहार के राज्य के लिए है। तो सबसे पहले आपको जो है किसान पंजीकरण आपका होना चाहिए जो कि यहाँ पे DBT पोर्टल में जा करके। अभी तक पंजीकरण नहीं बना हुआ तो आप जो अपना पंजीकरण कर सकते हैं। फसल सहायता योजना में पंजीकरण करने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास में पंजीकरण नंबर होना चाहिए। यदि आपका पंजीकरण बना हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो इसी पोर्टल DBT टाइप करके आपको यहाँ पर पंजीकरण जाने के ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा। यदि आपके पास में पहले से मौजूद है तो अब यहाँ पर यदि आप अपना पंजीकरण करवा चुके हैं या फिर आपका कहीं पर भी हो चुका है तो आप नहीं जानते यहाँ पे इसी ऑप्शन में आकर के आपको यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना होगा। दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन आईडी, यदि आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है अगर उससे आप चेक करना चाहते हो कि ये रजिस्ट्रेशन किसके नाम से है तो आपको जो रजिस्ट्रेशन आईडी सेलेक्ट करना है। अदरवाइज अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं जानते हो, नहीं आपके पास में, तो आधार या फिर मोबाइल नंबर से भी आप चेक कर सकते हो। सहकारिता टाइप कर देना, फर्स्ट में जो लिंक दिखाई दे रहा है जस्ट इसके ऊपर में क्लिक कर देना। आपके सामने में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है बिहार राज्य फसल सहायता योजना, जस्ट यहाँ पे आपको एक क्लिक कर देना। जहाँ पे जैसे आप क्लिक कर देते हैं आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसके ऊपर में क्लिक कर देना, पासवर्ड पाने के लिए यहाँ क्लिक करें। अदरवाइज यदि आपका पासवर्ड पहले से बना हुआ है, रजिस्ट्रेशन पहले से करा हुआ, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पासवर्ड टाइप कर देना। उसके बाद यहाँ पे नीचे में कैप्चा कोड टाइप करके यहाँ पे लॉगिन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, आपका पूरा डिटेल्स खुल के आ जाएगा। यदि आप पासवर्ड भुला चुके हो तो पासवर्ड भूल गए हैं यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको अपना नंबर टाइप कर देना। उसके बाद फिर यहाँ पे आप रीसेट कर सकते हो, फॉरगेट कर सकते हो। उसके साथ ही साथ यदि आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुका और अपना मोबाइल नंबर आप नहीं जानते हो तो उसके लिए आप कैसे आईडी पासवर्ड जान सकते हो, तो आप जिले में पता करना है कि कहाँ पे सहकारिता विभाग का ऑफिस है, वहाँ पे जाकर के आपको अपना आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर के जाना है और वहाँ पे ऑफिस में आपको बताना है कि सर मेरा जो है हम अपना पासवर्ड भुला गए, तो वहाँ पे आईडी और पासवर्ड दे दिया जाए। रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं तो आपको आईडी पासवर्ड नहीं पता तो इस तरीके से आप जो है आईडी पासवर्ड पा सकते हो। आवेदन हो रहा था पिछले साल तक जिसमें कि प्रोसेस जो है थोड़ा सा हार्ड था, जिसमें कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता था जैसे कि बैंक का अकाउंट फ़ोटो, उसके बाद एक अलग से फॉर्म आता था डिक्लेरेशन फॉर्म जिसको भी आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ता था। अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं अपलोड नहीं करना पड़ता, यहाँ पर 3 स्टेप में आप अपना आवेदन जो है कंप्लीट कर सकते हो। ये मोबाइल आपके पास में नहीं, OTP मांग रहा है, यहाँ पे मोबाइल नंबर बदलने के ऊपर में क्लिक करके आप अपना यहाँ पे जो है नया पुराना नंबर दे करके पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जो फसल सहायता योजना संबंधित विवरण जस्ट इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ किसान आपको सेलेक्ट करना है। बटाईदार खेती करते हैं आपके पास में जमीन नहीं, आप दूसरे का खेत करते हैं उसके लिए आपको गैर रैयत जो है ये सेलेक्ट करना है। लेकिन एक चीज़ आपको बता देते हैं, अगर आपके पास में जमीन है तो भी आपको जो है पैसा मिलने का चांसेस कम रहता है, क्योंकि यदि आपके पास में अपडेट रसीद होगा LPC होगा तो ही आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज आपका जो है आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो गैर रियत वाला होता है इसको ज़्यादा पैसा दिया जाता है इसमें, तो आपको यहाँ पे जो भी है वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यदि आप रियत सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है खाता नंबर, खेसरा नंबर और कुल रकबा जितना है वो आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। अगर आप जो है बटेदारी के लिए यहाँ पे आवेदन करते हैं तो यहाँ पे गैर रैयत इसके ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा। अब कुल कितना आप यहाँ पे ज़मीन कर रहे हैं जैसे कि 450 है, 458 है, जो भी है, अब यहाँ पे जो भी फसल आपको यहाँ पे शो कर रहा है तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से बॉक्स में। अब यहाँ पर कितना में जैसे कि इतना ज़मीन था और कितना में अभी आप फसल लगाए हुए वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना, जैसे 430 कर दिया हम। यहाँ पे फाइनली सबमिट बटन के ऊपर में आपको क्लिक कर देना, तो जैसे सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा ये रिकॉर्ड आपका जो है फाइनली सक्सेसफुली हो चुका है, तो 2 स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे अंतिम जो है आवेदन इसके ऊपर में क्लिक करके
आप यहाँ पे सारा चीज़ अपने डिटेल देख लीजिएगा। अब इसको आप नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरीके का ऑप्शन जाएगा। यहाँ पे किसी भी तरह का OTP नहीं लगेगा, इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे टिक करके फाइनल सबमिट कर देना। तो फिलहाल हम फाइनल सबमिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ज़मींदार है, इसमें इनके पास में ज़मीन है, तो यहाँ पे ज़मीन का डिटेल्स डालने के बाद हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। यहाँ पे यदि OTP का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे गेट OTP दिखाई देगा, वहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, जो भी मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करा हुआ उस नंबर पे OTP जाएगा। OTP टैप करने के बाद फिर फाइनल में आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको टिक लगा करके फाइनल सबमिट कर देना। वो जो फॉर्म निकलेगा उस फॉर्म को ज़रूर आप अपने पास में सेव करके प्रिंट आउट निकाल करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब पैसा मिलने का बारी है तो आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि किसान पंजीकरण, आधार कार्ड, बैंक का खाता और इसमें जो आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, वो सारा फॉर्म आपको मांगेगा। तो कभी कभार क्या होता है कि सर्वर इशू के कारण ये फॉर्म आप दोबारा डाउनलोड करने में आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप अभी जो है अपने पास में फॉर्म डाउनलोड करके रख लीजिएगा जो भी रिसिप्ट निकलेगा उसका। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ गई। यदि आपको किसी भी तरह का कुछ परेशानी हो रहा है ऑनलाइन करने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सही लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, आप साथ साथ आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नए नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आते हैं फिर किसी एक नए अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।